हेलो एवरीवन वेलकम टू सिविल स्टेप स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस हमारा जो पेपर आया था बीएड पार्ट उसमें सेवन्थ को जो पेपर हुआ था वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस पहला क्वेश्चन जो था द जैन अपिस्टेमोलॉजी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कैसा क्वेश्चन था ये जैन अपिस्टमोलॉजी कंसिडर्स अ फाइव स्टेज हैरारकी ऑफ नॉलेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द नॉलेज ठीक है तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जैन अपिस्टोमोलॉजी में से लिया गया है तो इसका जो राइट right ऑप्शन रहेगा वो है सी मति, श्रुति अवधि मनपराया केवल्या ठीक है? इसका मीनिंग भी हम जान लेते हैं सी इज द राइट ऑप्शन हेयर तो किस तरह से है मति ज्ञान, मति ज्ञान जो हम बुद्धि से इंटेलेक्ट से लेते हैं ठीक है नॉलेज ऑफ द मीनिंग ऑफ द माइंड एंड द सेंसेस ठीक है मति ज्ञान नाम से क्लियर है ये सीक्वेंस हमें जोड़ना है सीक्वेंस दिया अलग अलग तो सीक्वेंस वाइज हमें देखना है तो सबसे पहले है मती अकॉर्डिंग टू दिस एपिस्टेमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ नॉलेज जैन एपिस्टेमोलॉजी के अकॉर्डिंग ठीक है श्रुति ज्ञान क्या है श्रुति मीन सुनना हेरिंग ऑफ द नॉलेज ठीक है हियरिंग ऑफ द नॉलेज तो ये सेकेंड वन अवधि ज्ञान विदाउट नॉलेज ऑफ माइंड एंड सेंसेस माइंड और सेंसेस के बियॉन्ड जो नॉलेज रहती है उसे बोलते हैं अवधि ज्ञान देन मनप्रिय ज्ञान मतलब मन को जानना दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो सेंस कर लेना ये भी देखो अलग-अलग सिद्धि है लोगों में कुछ इंटेलेक्चुअल ज्ञान में बिलीव करते हैं कुछ श्रुति ज्ञान सुन के उसको अप्लाई करते हैं कुछ अवधि ज्ञान जो बियॉन्ड रहता है माइंड और सेंसेस के और एक मन प्राय मीन नॉलेज ऑफ अदर्स पीपल ब्रेन ठीक है फिर आता है केवल्य नॉलेज जिसको फुल नॉलेज कंप्लीट नॉलेज परफेक्ट नॉलेज बोलते हैं दैट इज केवल्य नॉलेज तो ये सीक्वेंस वाइज इसको हमने करना है तो पहले मति देन श्रुति देन अवधि अकॉर्डिंग टू जैन अपिस्टेमोलॉजी देन मनप्राया एंड देन केवल्या ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अपिस्टेमोलॉजी

सेड दिस ये फैक्चुअल क्वेश्चन आया है स्टेटमेंट आई है और किसने बोली है तो ये फैक्चुअल है ठीक है आगे भी आने वाले पेपर में इस तरह की फैक्चुअल नॉलेज आ सकती है जैसे गांधी जी के अकॉर्डिंग क्या है टेगोर जी के अकॉर्डिंग क्या है एजुकेशन को लेकर तो उसी तरह से ये क्वेश्चन है क्या स्टेटमेंट एजुकेशन इज अ मैन काइंड इट इज दैट बाई विच करेक्टर इज फॉर्म्ड स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज इंटेलेक्ट इज एक्सपेंडेड एंड बाई विच मैन कैन स्टैंड ओन हिज फीट ठीक है क्या है इट इज अ इट इज दैट बाई विच द करेक्टर इज फॉर्म ये पहला कीवर्ड है किसने बोला है ये विवेकानंद जी ने बोला है ठीक है स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इनक्रीज इंटेलेक्ट जो है वो एक्सपैंड हो माइंड की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो तो ये किसकी नॉलेज है किसके किसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू विवेकानंद ए इज द राइट ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट है स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर बुद्धिस्ट फिलासफी ठीक है तो फिलॉसफी से रिलेटेड जो डेप्थ में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं ठीक है तो इससे रिलेटेड एक आध हम लेक्चर भी एड करेंगे और कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी टी जी टी से लिए गए हैं जैसे लर्निंग का हुआ ठीक है वो आई थिंक अपलोड हो चुके हैं अगर नहीं तो आज हो जाएंगे तो उसमें लर्निंग का जैसे हल की थ्योरी से रिलेटेड आया क्वेश्चन ठीक है वो हम देखेंगे कैसे तो बुद्धिस्ट फिलोसफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है वो क्या है माया इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स ठीक है सोरो इज द द रूट कॉज ऑफ ऑल ट्रबल्स बर्थ एंड डेथ आर कॉजेज ऑफ ट्रबल्स गेटिंग इन्वॉल्व इन वर्ल्डली परस्यूड इज द कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स ठीक है तो यहां पर राइट right ऑप्शन रहेगा वो है माया इज रूट कॉज ये नहीं देखो पता है क्या

वर्डिंग का डिफरेंस है माया क्या है माया भी यही चीज होता है कि वर्ल्डली में वर्ल्डली मटेरियलिस्टिक चीजों में फंस जाना बट वर्डिंग का डिफरेंस है ये इन्होंने किस तरीके से बताया है ये बताया है कि अगर हम वर्ल्डली परूट में परस्यूट में इन्वॉल्व हो जाते हैं बहुत ज़्यादा वो भी दुख का कारण है तो ये तीन चीजों पे इन्होंने फोकस किया है बताने का तरीका अलग है तो दैट इज द आंसर इज डी हेर डी ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट है वन ऑफ़ द फॉलोइंग गिव्स अ करेक्ट रीजन फॉर इंक्लूडिंग फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इन टीचर एजुकेशन करिकुलम क्वेश्चन है कौन सा इसमें से कॉम्बिनेशन है जो कि करेक्ट रीजन बता रहा है फॉर इंक्लूडिंग फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इन टीचर एजुकेशन करिकुलम तो कौन सा इंपॉर्टेंट है अगर हम फिलोसफी की बात करें फिलोसफी क्या कहती है टीचर एजुकेशन करिकुलम के में में क्या है फिलोसफी इज द ओल्डेस्ट डिसिप्लिन ठीक है हमें रीजन बताना है क्या टीचर एजुकेशन करिकुलम में फिलोसफी इज द ओल्डेस्ट डिसिप्लिन ये स्टेटमेंट इफेक्ट नहीं करती टीचर एजुकेशन करिकुलम में फिलोसफी हेल्प इन एजुकेशनल कॉन्सेप्टी एजुकेशन करती है अंडरस्टैंडिंग क्या अंडरस्टैंड कर रहे में एजुकेशनल कॉन्सेप्ट इनिस्टिक मैनर फिलोसफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड ऑफ द सेम क्वें ठीक है ये भी बताया है फिलोसफी हेल्प एंड डिवेलपिंग अटर पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी को बेटर करती है ये भी टर्म सूट नहीं करती है टीचर एजुकेशन करिकुलम के एस्पेक्ट में देन फिलोसफिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन कॉन्सेप्ट हेल्प इन डिवेलपिंग अ रैशनल व्यू पॉइंट क्योंकि फिलोसफी में सारे थिंकर्स अपने अपना व्यू पॉइंट देते हैं ठीक है तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा सही है तो कौन सा ऑप्शन नहीं है वो है ए और ए है और डी नहीं आएगा तो क्या आएगा बी सी एंड डी तो बी सी बी इज द राइट ऑप्शन ठीक है ये भी सही है कि फिलोसफी हेल्प करती है होलिस्टिक वे में अंडरस्टैंड करने में देन टू साइड ऑफ द सेम कॉइन एजुकेशन एंड फिलोसफी थर्ड इज द कि दिलासफी जो है ये एनालिसिस करती है एनालाइज करती है हमारे रैशनल जो भी हमारे व्यू पॉइंट्स है तो ये बिल्कुल ठीक है बी सी इज द राइट ऑप्शन

हमारा चलता है रूटीन तो क्या यही लाइफ है और मीनिंग क्या है ये ये जीवन क्यों है और क्या है अगर ये थॉट आती है तो वो क्या है कौन सा आप आप किस में हो आप? जो थे थे सारे वो इसी चीज पे फोकस करते थे, मीनिंग ऑफ लाइफ के ऊपर तो इन्होंने बताया देखो ये भी कॉमन सेंस से किया जा सकता है क्वेश्चन कैसे वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट अब वैल्यूज तो सिखाई जाती है ना अब छोटा बच्चा है जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वैल्यू सिस्टम तो वो सीखता है वैल्यूज आर सब्जेक्टिव एंड पर्सनल बिल्कुल ठीक है कैसे सब्जेक्टिव क्या है हर एक बंदा कहता है कि मेरे लाइफ के ये रूल्स हैं ये वैल्यू सिस्टम है मेरा ठीक है हर घर का अपना अपना वैल्यू सिस्टम है हमारे घर का ये वैल्यू सिस्टम है ठीक है किसी और के घर का वो तो वो क्या है सब्जेक्टिव है ठीक है मतलब सबका अपना अपना और कोई कहता है कि ये मेरी वैल्यू सिस्टम है इसके बियॉन्ड मैं कुछ नहीं मैं नहीं जा सकता तो पर्सनल भी है सबका अपना है तो ये बिल्कुल ठीक है वैल्यूज आर बट ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं है वैल्यूज सबकी अपने अपना वैल्यू सिस्टम है वैल्यूज आर डिराइव फ्रॉम मार्केट फोर्सेस ये बिल्कुल गलत है तो कॉमन सेंस से भी आंसर किया जा सकता है अगर आप वैल्यूज के प्रति थोड़ा अवेयर हो तो ठीक है आप इंटेलिजेंस वाला टॉपिक है इंटेलिजेंस या पर्सनालिटी में वैल्यूज की बात की गई है आई थिंक इंटेलिजेंस टॉपिक में राइट right? तो उसमें आपको बताया है सब्जेक्टिव और पर्सनल होती है वैल्यूज तो बी इज द राइट ऑप्शन ठीक है जो एग्जिस्टेंशलिस्ट सबसे पहले एग्जिस्टेंशलिस्ट वर्ड आ जाए मीन मीनिंग ऑफ लाइफ की बात हो रही है और इन्होंने वैल्यूज की बात की है तो वैल्यूज जो है वो सब्जेक्टिव भी है और पर्सनल भी है ठीक है बी इज द राइट ऑप्शन तो एग्जिस्टेंशलिस्ट के अकॉर्डिंग एम ऑफ एजुकेशन क्या है कि हमारे अपनी थॉट्स को अंडरस्टैंड करना फीलिंग्स को अपने डिसीजनस को करिकुलम में सेल्फ बेस्ड सेल्फ डायरेक्शन ठीक है मेथड ऑफ टीचिंग में इंडिविजुअल डिफरेंसेस रीजनिंग मतलब खुद अपना सेल्फ को रियलाइज करना सेल्फ एक्सप्रेशन ठीक है अपनी वैल्यूज़ को समझना क्रिएट करना जनरेट करना नेक्स्ट है द अल्टीमेट पर्पस ऑफ गांधीयन एजुकेशन इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ गांधी एजुकेशन अभी भी फैक्चुअल बेस्ड है क्रिएशन ऑफ क्लासलेस सोसाइटी ये नेगेटिव टर्म है डिवेलपमेंट ऑफ ह्यूमन एंड अवेकंट सोसाइटी पॉजिटिव है प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बींगस सेल्वेशन फॉर ऑल

द राइट ऑप्शन कोथारी हैं फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन किसकी है रिकमेंडेशन कमीशन के अकॉर्डिंग ठीक है फॉर सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए विथ कम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स टेन इन स्लो डाउन द प्रोग्रेस इन एजुकेशन इन इंडिया ठीक है क्या है विथ कम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स टेन टू स्लो डाउन द प्रोसेस कौन सा कॉम्बिनेशन है इसमें से जो स्लो डाउन करता है प्रोसेस कौन सी एजुकेशन तो है? है क्या है रिलीजनिज्म मतलब जातिवाद जो करते क्षेत्रवाद रीजन के अकॉर्डिंग पक्षपात करना बायसनेस करना ठीक है तो ये हो सकता है कहते स्लो डाउन कौन कौन से पॉइंट्स करते हैं कौन कौन से ओपिनियन कॉम्बिनेशन से करते हैं अर्बन लाइफ ठीक है अर्बन वे ऑफ लाइफ जो है वो बिल्कुल भी इस पर इम्पैक्ट नहीं डालता किसमें स्लो डाउन करने में तो ये तो गलत है तो देखो ये रॉन्ग है ये तो पक्की वाली बात है थर्ड नहीं आएगा तो देखो क्वेश्चन करने का तरीका जब आपको पता लग जाए ना ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा तो आपने एलिमिनेशन मेथड यूज करना शुरू करना है

ठीक है अब डिवेलमेंट का जो टॉपिक है आपका टीजीटी में से एड कर दिया है ठीक है तो वो क्या है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी टीजीटी में ये है डेवलपमेंट का टॉपिक तो इन्होंने डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन ले लिए तो डेवलपमेंट जो है कौन सा प्रिंसिपल नहीं है तो ये लेक्चर अपडेट कर दिया गया है तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी जो है ये है बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस ये भी डिवेलमेंट है डिवेलपमेंट का प्रिंसिपल है

एड किया जाएगा जिसमें विलियम जेम्स बताया जाएगा विलियम वुड ने क्या दिया है जेम्स ने क्या दिया है दिस इज वेरी फर्स्ट बेसिक टॉपिक ऑफ साइकोलॉजी तो विलियम जेम्स जो है वो राइट right ऑप्शन है जिन्होंने ये बताया कि माइंड फंक्शन कैसे करता है ठीक है और जो ये थे विलियम वुंड इन्होंने बताया स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के बारे में ठीक है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड और विलियम जेम्स ने बताया फंक्शन ऑफ माइंड ठीक है फंक्शन ऑफ माइंड तो स्ट्रक्चर की बात की इन्होंने क्रिटिसाइज किया विलियम अब नाम सेम सेम लगेंगे विलियम जेम्स विलियम वुंट, आपको याद रखना है विलियम वुंट ने स्ट्रक्चर माइंड का सिर्फ स्ट्रक्चर की बात की और विलियम जेम्स ने फंक्शन की बात की कि माइंड फंक्शन कैसे करता है ठीक है तो यहां पर कैसे माइंड फंक्शन करता है विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग विच इज द मोस्ट इफेक्टिव री एनफोर्समेंट स्केड्यूल अकॉर्डिंग टू द ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी ऑफ लर्निंग फॉर स्टेबल लर्निंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है और ये भी learning का आपके में नहीं है, तो learning का इन्होंने दो-तीन डाले हैं, हैं, तो तो के कुछ topic TGT से, PGT में कुछ से में कर दिए गए ठीक है, तो उसमें आंसर की जो आई है उसके अकॉर्डिंग बताया है ए राइट ऑप्शन बट राइट ऑप्शन फॉर्मली जो है वो है वेरिएबल रेशियो ठीक है कैसे देखो मोस्ट क्या बताना है हमने कि कि का स्केड्यूल जब आप थ्योरी पढ़ोगे ना आपको समझ आ जाएगा कि क्या है री का स्केड्यूल पर मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि यहाँ पर इफेक्टिव री एनफोर्समेंट स्केड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है वो है वेरिएबल रेशो तो री होता है कि जब हम किसी को कुछ रिवॉर्ड देते हैं उसका काम करने का इंटेंसिटी और बढ़ जाता है री जैसे बच्चा है वो काम होमवर्क नहीं कर रहा उसको हमने इंपॉर्टेंट तो तो क्या है स्ट्रांग वाली, वाली, वाली कौन सी है जिसमें कोई भी बच्चा या कोई भी पर्सन जो है ना वो काम करेगा ही करेगा चाहे रिवॉर्ड के लालच में नहीं पर वो करेगा करेगा ठीक है वो है वेरिएबल रेशियो अब वो देख लेते हैं कैसे सी यहाँ राइट ऑप्शन है कैसे देखो सबसे पहले होता है फिक्स्ड इंटरवल फिक्स्ड इंटरवल फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद एक रीइंफोर्समेंट मिलनी है दैट इज फिक्स्ड इंटरवल ठीक है जिसमें आपको पता होता है कि हर एक घंटे के बाद या हर एक 5 मिनट के बाद जैसे कि रैट uh, वाला एक्सपेरिमेंट है आप कोर्स में देखना थ्योरी में देखना या आपको मैं सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ आपको पता है कि हर एक पांच मिनट बाद कोई अच्छा काम करने पर मिनट बाद मुझे रिवॉर्ड मिलना है आप कब काम करोगे जब मिनट 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 होने से एक पहले चार के करीब आप अच्छा काम करना स्टार्ट करोगे या पर्टिकुलर काम जो आपको दिया गया है वो शुरू करोगे क्योंकि पता है हर पांच मिनट बाद तो मुझे रिवॉर्ड मिलना ही मिलना है तो बताओ ये कोई अच्छा वाला इफेक्ट हुआ आपकी लर्निंग का ज्यादा अच्छा नहीं हुआ ये तो फिक्स आपको पता ही है कि फिक्स इंटरवल के बाद मुझे मिलना ही मिलना है कोई रिवॉर्ड एक है फिक्सो रेशो।, रेशो मतलब मेरे को तीन बार ये प्रोसेस करने के बाद एक रिवॉर्ड मिलेगा अगर ये तीन अच्छे काम किए मुझे रिवॉर्ड मिलेगा तो तो आपको पता है, तो पता है है नंबर ऑफ टाइम्स फिक्स इसमें भी लर्निंग इतनी खास नहीं होगी ठीक है क्योंकि तीन के बाद चौथा आप नहीं करोगे आपको लगेगा पहले रिवॉर्ड मिले फिर चौथा काम करूंगा तो ये भी इतनी अच्छी लर्निंग नहीं है फिर आता है वेरिएबल इंटरवल इंटरवल मतलब कभी भी मिल सकती है आप अपना काम करते रहो अच्छा आपको कभी भी reward मिल सकता है ये fixed time नहीं है इसका तो इंटरवल कभी भी हो सकता है इसमें अच्छी लर्निंग होगी उससे भी अच्छी लर्निंग कब होती है वेरिएबल रेशो में कि नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर आप रुकोगे नहीं आप अच्छा काम लगातार करते रहोगे रेशो मतलब नंबर ऑफ टाइम्स ये फिक्स नहीं है ये वेरी कर रहा है आप काम करते रहोगे अच्छा 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 कभी भी रिवॉर्ड आ सकता है तो वेरिएबल रेशो इज वेरी इफेक्टिव ठीक है तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा सी आएगा वेरिएबल रेशो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन डिटेल में कोर्स में दिया गया होगा आप उसको अच्छे से सुनना विद एग्जाम्पल्स बताया है इन हल्स ये भी देखो लर्निंग का आ गया एक क्वेश्चन हल की थ्योरी है री थ्योरी उसमें बताया है कि कौन सा इंटरवेनिंग वेरिएबल है ड्राइव कंडीशन रिएक्शन लेटेंसी रिएक्शन एम्पलीट्यूड

उन्होंने यूज किए प्रोबेबिलिटी दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस वुड लीड टू कोई भी पर्टिकुलर स्टिमुलस बाहर बार किया है रोशा प्रोजेक्टिव टेक्निक है जिसमें दस कार्ड्स दिए जाते हैं टेन कार्ड्स होते हैं और फाइव ब्लैक एंड व्हाइट है और फाइव मल्टी कलर होते हैं ठीक है थेके? ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड को असेस करने के लिए रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट जो कि एक टेक्निक राइट ऑप्शन से पांच कार्ड जो होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट और पांच जो है वो कलरफुल से होते हैं ठीक है तो इस तरह से आपका अनकॉन्शियस माइंड चेक किया जाता है ये भी आपको कोर्स में एक्सप्लेन किया गया है पर्सनैलिटी वाले टॉपिक पे ठीक है

ठीक है आपने कहीं टच कर दिया कुछ लोग ऐसे होता है ना कहीं टच कर दिया ऐसे लग रहा है कि हाथ धोने हैं तभी जाके मेरे को थोड़ा सा वो क्या होगा होगी कि मुझे मुझे लग रहा है हाथ पे कुछ लगा है या कुछ लोग ऐसे होते हैं ना तो वो क्या है कई बार ऐसे थॉट आ रही है उसको आप क्या कंपेंसेट करते हो कम्पनसेशन उसको पूरा करते हो देन आता है सब्लिमेशन ठीक है सब्लिमेशन क्या है सब्लिमेशन अपनी एनर्जी को अच्छी जगह पे चैनलाइज करना ठीक है

आपको कोर्स में सिखाए गए हैं सिगमेंट फ्रॉड की थ्योरी से ही लिया गया है कोर्स को अच्छे से सुनना नेक्स्ट है द इंटर्नशिप प्रोग्राम ठीक है जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होती है टीचर एजुकेशन वो क्या हेल्प करती है जब बीएड करते हैं या ईटीटी करते हैं जो एक ट्रेनिंग लगती है टीचर की इंटर्नशिप प्रोग्राम जिसे बोलते हैं वो क्या हेल्प करती है बताइए टीचर इन द स्कूल प्रोवाइड जो स्कूल के टीचर होते हैं ठीक है जिस स्कूल में ट्रेनिंग लगती है उनको हेल्प करता है नंबर वन टू है स्टूडेंट टीचर इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टूडेंट टीचर किसको बोलते हैं जो ट्रेनिंग की प्रैक्टिस जो ट्रेनिंग करने गए हैं जो इंटर्नशिप प्रोग्राम ले, ले, रहे हैं स्टूडेंट टीचर की जगह पेपर में और भी क्या टर्म आ सकती है प्यूपल टीचर प्यूपल टीचर ठीक है देर आर दीचर्स एजुकेटर्स इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन टीचर्स एजुकेटर्स इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल वेयर इंटर्नशिप इज कंडक्टेड प्रिंसिपल को है, teachers, को हेल्प करता नहीं नहीं टीचर्स एजुकेटर्स तो बी इज़ राइट ऑप्शन ठीक है किसको हेल्प करता है पीपल टीचर को तो पीपल टीचर जो लोग जो बच्चे जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ठीक है इंटर्नशिप प्रोग्राम करने गए हो किसी स्कूल में तो वहां पर आपकी अपनी हेल्प हो रही है आपकी स्किल्स डेवेल्प हो रही है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज डायरेक्टली रिस्पांसिबल फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ द स्कूल टीचर्स इन इंडिया ठीक है स्कूल टीचर्स की प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए कौन सा इसमें से कौन सी बॉडी जो है वो हेल्पफुल है तो ये भी एक्चुअल क्वेश्चन है एनसीईआरटी जब स्कूल एजुकेशन की बात होती है तो वहां पर एनसीईआरटी इज द राइट ऑप्शन ठीक है आपका होमवर्क है आपको बाकी की फुल फॉर्म्स भी लर्न करनी है और उसको लिख लेना है ठीक है याद करनी है बाकी की फुल फॉर्म्स हियर इज द राइट ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन ठीक है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका बेसिकली स्कूल एजुकेशन के लिए ठीक है

को चाहे वो किसी भी जाति का हो किसी भी एज ग्रुप का हो ठीक है कैसा भी हो तो उसको हमें रिजेक्ट नहीं करना क्वालिटी एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना तो जीरो रिजेक्शन पॉलिसी जीरो रिसोर्स रूम पॉलिसी नहीं है जीरो एक्सेप्टेंस पॉलिसी गलत है जीरो देखो अगर नहीं भी आता ना फिर भी कॉमन सेंस से हो रहा है कैसे हो रहा है कि जीरो रिसोर्स रूम ये तो नेगेटिव टर्म है ना नेगेटिव बात है जीरो रिजेक्शन ये सबसे पॉजिटिव है जीरो एक्सेप्टेंस ये भी नेगेटिव है जीरो फेलियर पॉलिसी बिल्कुल नहीं है कि कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए बेसिकली जीरो रिजेक्शन सबसे ऑप्टिमम है कि कोई रिजेक्शन किसी को नहीं हमने देना तो कोई भी अगर किसी भी प्रकार का बच्चा कैटेगरी का डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी उसको हमें क्वालिटी एजुकेशन देना है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड परफॉर्मेंस ऑफ इंडिकेटर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कौन सा इसमें से <coughs> इसमें से कॉम्बिनेशन है जो हेल्प करता है जो नैक है ठीक है जो नैक है वो असेस करता है परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूशन की ठीक है असेसमेंट एंड जो रैंक देता ना यूनिवर्सिटी का ए प्लस रैंक है इस इंस्टीट्यूशन का बी है रैंक तो वो जो रैंकिंग करता है वो कौन करता है नैक तो किस आधार पे करता है सर्कुलर एस्पेक्ट रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन ठीक है कितना रिसर्च हुआ है यहाँ पर कितने बच्चों ने रिसर्च अच्छे से किया है गवर्नेंस लीडरशिप मैनेजमेंट कितना परफॉर्मेंस क्या रहा है मैनेजमेंट का ठीक है और गवर्नेंस और लीडरशिप कैसे यहाँ पे ली जा रही है इलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन मेंबर एंड इलेक्शन के ऊपर इसका कोई काम नहीं होता उन्होंने असेस करना है किस बेसिस पे करेंगे इंस्टीट्यूशन वैल्यूज वैल्यू सिस्टम क्या है बेस्ट प्रैक्टिस क्या है तो यहाँ पर आंसर है आंसर रहेगा ई सी बी बी सीई बी सी ओनली ठीक है तो ये इनके आंसर्स हैं तो कौन कौन सी चीजों पे फोकस करता है रिसर्च गवर्नेंस वैल्यू सिस्टम सर्कुलर एस्पेक्ट बट यहाँ पर आंसर में नहीं है ठीक है तो राइट आंसर हेयर इज इन्होंने दिया ही यही हुआ बी सी और ई e, तो यहाँ पर आंसर रहेगा सी ठीक है तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है यू कैन टेक द स्क्रीन तो ये थे हमारे क्वेश्चन ठीक है तो मोस्टली क्वेश्चन देखो कुछ कॉमन सेंस से भी हो सकते थे कुछ क्वेश्चन हैं, थ्यूरी बेस्ड हैं, तो पर्सनैलिटी से लिए भी लिए गए हैं मोस्टली फिलोसफी से लिए गए हैं लर्निंग से लिए गए हैं ठीक है ठीके? तो मोर यू प्रैक्टिस तो उतना ही ज्यादा आपका आगे का परफॉर्मेंस जो नेक्स्ट पेपर देने वाले हैं बच्चे तो उतना ही परफॉर्मेंस आपका अच्छा होगा ठीक है तो घबराना बिल्कुल नहीं है एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम थैंक यू सो मच